YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो जींद उपचुनाव बेहद खास है और जितना ये खास है उतनी ही तेजी के साथ कई समीकरण हैं जो कि फिलहाल बदले हैं। कोई किसी को समर्थन दे रहा है तो कोई किसी के लिए प्रचार के लिए मैदान में उतर रहा है, क्योंकि ये लड़ाई एक सीट की नहीं बल्कि हवा को अपने पक्ष में लड़ने का करने का एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, जिसे कोई भी पार्टी हाथ से जाने देने के मूड में कतई नजर नहीं आते। जींद उपचुनाव में जब पार्टियों ने हैवीवेट कैंडिडेट उतारे थे तभी पता चल गया था कि जनवरी के सर्दी में पारा चढ़ने वाला है, लेकिन हर रोज बदलते समीकरण और बढ़ती चुनावी सरगर्मियों ने गर्मी उम्मीद से ज्यादा बढ़ा दी। हर रोज स्थितियां ऐसे बदल रही है मानो मौसम करवटे ले रहा हो। इसी बदलती स्थिति में परिस्थितियों को जेजेपी के पक्ष में करने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय चौटाला का समर्थन कर दिया है। कार्यकर्ताओं से सलाह की और सलाह करके तय किया कि हमारे सारे कार्यकर्ता दिग्विजय चौटाला को जिताने के लिए यहाँ पे पूरा कार्य करेंगे और मेहनत के साथ हम पूरे बहुमत के साथ उनको जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी से आप लोगों ने और प्रेस के माध्यम से कल दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने बात की और खुला समर्थन आम आदमी पार्टी का मांगा, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विचार करके ये तय किया कि जींद के अंदर और हम इसको करें, और मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने इस काम के लिए विशेष कर भेजा है। आम आदमी पार्टी एक बदलाव व्यवस्था के बदलाव की राजनीति करती है, जो परंपरागत यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी और इनलो रही है, जिन्होंने 70 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को बुरा हाल के अंदर कर दिया है और एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ये 5 साल के बाद शासन में आते हैं और पुनः खुद अपने आप को भ्रष्टाचार के अंदर घुसे हुए मिलते हैं। ये जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं। खट्टर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का वो बुरा हाल किया है कि इस तरफ बदलाव हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर बहुत जरूरी है। इस गठबंधन और समर्थन की परिपाटी काफी पहले से लिखी जा रही थी। 15 जनवरी को अजय चौटाला की जेल जाने से पहले जब दो आप विधायक उनसे मिले थे तभी खबरें अभी तक ने बता दिया था कि क्या खिचड़ी पकने चूल्हे पर चढ़ाई गई है। वही खिचड़ी अब बनकर तैयार हो गई, लेकिन ये जनता को पसंद आएगी या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस सब के बीच युवाओं में दिग्विजय चौटाला के लिए दिखने वाला प्रेम भी जेजेपी को खुशी दे रहा होगा, क्योंकि कई खिलाड़ियों के समर्थन के बाद अब बबीता फोगाट भी मैदान में उतर गई है और आम आदमी पार्टी का साथ तो जेजेपी को मिल ही गया। गुप्ता, हमारे साथ एक बड़ी सियासी सफलता दिग्विजय चौटाला को मिली है, आप लोगों ने समर्थन जजपा को किया, क्या खास वजह रही जजपा को समर्थन देने? जजपा को समर्थन देने की एक ही वजह है कि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने कर दिया है और हम ये मान के चलते हैं कि जो ओरिजिनल इल्लो है जिनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीबीआई के नाम से जानते हैं, वो ओरिजिनल इल्लो बीजेपी की बी पार्टी है और हम नहीं चाहते। केजरीवाल ने क्या मैसेज, अरविंद केजरीवाल ने क्या मैसेज दे जिसके ऊपर अनेकों भ्रष्टाचार का आरोप लगे कभी जीत पाए? अरविंद केजरीवाल ने क्या मैसेज दे के आपको यहाँ पे भेजा है, किस तरह मैसेज दिया है कि हम जींद के अंदर आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर मजबूती के साथ दिग्विजय सिंह को जिताने का कार्य करेंगे। यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, क्या वो चुनाव प्रचार में आएंगे? नवीन जैंद और अरविंद केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है ये पार्टी वाले बुलाएंगे और उनके पास समय होगा तो वो साफ प्रचार में आएंगे। क्या जो गठबंधन आपका हुआ, जो समर्थन हुआ, भविष्य के लिए भी होगा जो कल इन्होंने हमारे से समर्थन मांगा था, आज केजरीवाल जी ने समर्थन देने के लिए मुझे भेजा है यहाँ पे और भविष्य के अंदर ये सारी बातें बैठ के आपस में। कितना फायदा होगा आम आदमी पार्टी को और जजपा को, कितना फायदा होगा? मैं मान के चलता हूँ ये उपचुनाव हम जीतने का काम करेंगे, हमें जो सहयोग मिला हमारे साथियों का आम आदमी पार्टी का, उपचुनाव जीतेंगे उससे आगे दोस्ती बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सियासी सफलता दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी को मिली है, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिग्विजय चौटाला को समर्थन किया गया है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थन के बाद दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक जींद।
बिल्कुल आप साथ आ गई है दिग्विजय के, जेजेपी के और सभी दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरे हैं, सबका अपना जीत का दावा है। दिग्विजय चौटाला के समर्थन में आप उतर आई है और दिग्विजय चौटाला के लिए प्रचार प्रसार करने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही खबरें अभी तक से दिग्विजय चौटाला ने खास बातचीत की है। जींद उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है इस जींद के रण को जीतने के लिए और हर रोज जो समीकरण है वो भी बदल रहे हैं। इस समय हमारे साथ खुद जो है दिग्विजय चौटाला मौजूद हैं। दिग्विजय जी, आज जो है आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है आपके समर्थन के लिए और कहा गया कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता दिग्विजय जी के लिए जो वोट मांगेगा, इस उपचुनाव को कैसे देखते हैं? का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और समान विचारधारा के लोगों को ताकत देने के लिए वो आगे आए। मुझे उम्मीद है कि उनके इस सहयोग से इस हवन यज्ञ में जो आहुति आम आदमी पार्टी के लोगों की, कार्यकर्ताओं की डलेगी, वो भी इस जीत के एक बहुत बड़े अहम हिस्सेदार होंगे। हम उनका भी आभार प्रकट करेंगे। जितनी जीत हमारी है उतनी जीत उनकी भी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता बन चुकी है वो बांटना चाहती है, हम सब लोग जोड़ना चाहते हैं, मिलकर के इस प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए ये जींद का उपचुनाव है, ये बड़ा संदेश देगा और आम आदमी पार्टी का फिर से आभार। दिग्विजय जी, अभी उपचुनाव के लिए जैसे प्रचार चल रहा है तो कोई अगर रैली होती है तो आपकी तरफ से निमंत्रण दिया जाएगा, बुलाया जाएगा केजरीवाल जी को? निश्चित तौर पर अगर रैली होती है तो हम केजरीवाल जी को निमंत्रण भी देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो साथ आकर के इस संघर्ष में, इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सब लोग लामबंद होंगे। माइंड लाइक माइंडेड पीपल तो एक मंच पे आएंगे तो जन समर्थन भी और ज़्यादा। बिल्कुल, चुनाव को लेकर वायदे भी बहुत किए जा रहे हैं, स्लोगन बनाएंगे कि जींद बदलेंगे, जिंदगियाँ बदलेंगे। जो कैथल नहीं बदल सके, जो नरवाना नहीं बदल सके, वो जींद को क्या बदलेंगे। इसलिए मैं जींद की जनता से कहूँगा कि अपने विवेक से सही मतदाता बनकर और ठीक फैसला करें, सिर्फ जात पात धर्म मजहब पर नहीं, उससे ऊपर उठ करके सोचें। सब मिलकर के 36 बिरादरी जो है वो ऐसे कैंडिडेट को चुनें और ऐसी पार्टी को चुनें जो भविष्य में जींद के लोगों के साथ रहकर कदम ताल मिलाकर यहाँ के मुद्दों को मजबूती से उठा सकती है और जो ज़मीनी हकीकत बनाने की जो डेवलपमेंट है उसको ज़मीनी स्तर पर ला सकती है। ये दिग्विजय चौटाला जी थे हमारे साथ। हरियाणा की राजनीति में आज एक बड़ा फैसला हुआ है, आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया है जननायक जनता पार्टी का और उसके बाद अब दिग्विजय चौटाला ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में कहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं और इस जींद के रण को जीतने में जो हवन यज्ञ है उसमें उनकी जो आहुति है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अगर भविष्य में अभी चुनाव को लेकर कोई रैली होती है तो वो अरविंद जी को जरूर बुलाएंगे और इस रण को जीत के ही जाएंगे। जींद से जयदीप राठी, खबरें अभी तक। तो दिग्विजय चौटाला को आपने सुना, दिग्विजय चौटाला ने खास बातचीत की है खबरें अभी तक से। इसके अलावा इनेलो के जो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, उनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई है। आरोप लगाए गए हैं जेजेपी पर, दुष्यंत चौटाला पर, आम आदमी पार्टी पर कि साजिश की जा रही है चुनाव जीतने के लिए। क्या कुछ आरोप है चलिए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को समर्थन किया। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की परलो की एप्लीकेशन जेल अथॉरिटी से लगाई थी 16 तारीख, जो कि एक कैदी का राइट है, और 17 तारीख को उसकी हमें मंजूरी मिल गई 21 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते की मंजूरी दी। और उसके बाद 18 तारीख को ही उस पर एक शर्त लगा दी गई कि आप कहीं भी राजनीतिक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, और आज उनको बगैर कोई कारण बताए उनकी परलोक रद्द कर दी गई। और गिरावट दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला यहां तक आ गए कि दिल्ली सरकार ने आज अभी 7:30 बजे बीमार व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि हॉस्पिटल में, उनको रात भी नहीं रुकने दिया और 7:30 बजे उनको तिहाड़ में भेजने की तैयारी कर ली। तो कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी गिरावटपन आज राजनीति में आया है, इस प्रकार हम उसकी निंदा करते हैं। और जो आज जेल अथॉरिटी ने हमारा जो राइट है परलो का उसको जो रद्द किया है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राइट है वो अपने लोगों को मिले। हमारे लिए तो कंडीशन लगा देते हैं कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे,
और अभी 15 दिन पहले अजय सिंह जी आपके बीच में फरलो काट के गए, हर गांव में सभा करके गए, हर मीटिंग में सभा करके गए, उनके लिए कोई नहीं, मतलब इनकी गिरावट यहाँ तक आ गई है। तो अशोक अरोड़ा को आपने सुना, जिनका कहना है कि साजिशन उनके फरलो को रद्द करवाया गया है। अजय चौटाला जब आए थे फरलो पर, उन पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन कोई शर्त नहीं लगाई थी। वो राजनीतिक मीटिंग भी कर रखे थे, वो जनसभा को संबोधित भी कर रखे थे, ये तमाम आरोप है। लेकिन इसके अलावा आज खास और अलग बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय को समर्थन दिया है, जेजेपी को समर्थन दिया है। इससे पहले जेपी की बात करें, कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। ये जो समर्थन दिए जा रखे हैं, ये जो आपस में मिलकर जो लड़ाई करने की बातें की जा रखी हैं, चुनावी मैदान में लोग हैं, इससे कितना समीकरण बदलेंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कितनी मजबूती दिग्विजय को मिलने वाली है, उधर जेपी के कांग्रेस के साथ आने से कितनी मजबूती उसको मिलने वाली है समर्थन देने से, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, बीजेपी के भारत भूषण जुयाल जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनेलो से प्रवक्ता रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ जींद से जुड़े हैं, जेजेपी से प्रवक्ता दलवीर धनखड़ जी हमारे साथ जींद से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं अजय गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, खबरें अभी तक के सलाहकार संपादक धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत कर लेंगे जेजेपी से। दलवीर धनखड़ जी, अभी आपने सुना अशोक अरोड़ा की ओर से कहा गया कि साजिशन ओपी चौटाला की फरलो रद्द करवाई गई है, आम आदमी पार्टी और दुष्यंत मिलकर ये साजिश कर रखे हैं। ज्योति जी, अशोक अरोड़ा जी जिस तरह से बोल रहे हैं वो एक हारे हुए सेनापति की तरह बोल रहे हैं। बातें ये नहीं है, टेक्निकल बातें हैं, जो होंगी आप कोर्ट जाइए, जैसे बात कर रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। किसने आरोप लगाए, किसने साजिश रची, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बीमार व्यक्ति बता रहे हैं अशोक अरोड़ा जी, उनको जबरदस्ती जेल भेज दिया गया जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो भी टेक्निकल बातें हैं इसमें जननायक जनता पार्टी, हमारे पहले से भी बयान है, आज फिर एक नया बयान बता रहा हूं आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी तरह ओम प्रकाश चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम तो कहते हैं, कांग्रेस को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, इंडियन नेशनल लोकदल को भी कहा था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, हम स्वागत करते हैं, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला का मान सम्मान करते हैं। जहां तक पहले अशोक अरोड़ा जी ने, इनकी पार्टी के सोशल मीडिया पे एक बात चल रही थी, दिग्विजय दिशेन जी ने एक एप्लीकेशन दी है, ओम प्रकाश चौटाला बाहर नहीं आ सकते। आज ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चुनाव के दौरान आए हुए थे, तो उस समय भी चुनाव के बीच में ही उनको जेल भेज दिया गया था। तो ये टेक्निकल बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जाने, आम आदमी पार्टी जाने, कांग्रेस जाने, इंडियन नेशनल लोकदल जाने, हमारे को बीच में ना ले सीटा जाए। हम तो चाहते हैं सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज ही आम आदमी पार्टी ने बाई इलेक्शन को लेकर आप लोगों को समर्थन दिया है, आज ही चौटाला साहब को जेल भेज दिया गया है, उनकी फरलो रद्द कर दी गई है, ये कहा गया अशोक अरोड़ा की ओर से। हम धन्यवाद करते हैं आम आदमी पार्टी, ज्योति जी हम धन्यवाद करते हैं आम आदमी पार्टी का, जो हमारा सहयोग किया। माननीय दिग्विजय चौटाला जी ने भी आपको सब बातें क्लियर कर दी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी ने हमें इस लायक समझा, प्रदेश में एक ईमानदारी की लड़ाई, मैं कहूंगा ईमानदारी की, जो बेईमानी चल रही 10 साल कांग्रेस ने जिस तरह से जमीन ने हड़पने का काम किया, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनियमितताएं बरती हैं प्रदेश के जिले वाइज, उसको दूर करने के लिए, और जिस तरह से 4.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार प्रदेश को जलाने का काम किया है, आम आदमी पार्टी ने जननायक जनता पार्टी, जो कि आपको सबको पता 1.5 महीना पहले बनी हुई है, चलिए ठीक है, इस पर तो आएंगे सर, चौटाला अभी फरलो से शुरुआत की थी, इस पर आएंगे, अभी सहयोग दिया उसको हम धन्यवाद करते हैं, सहयोग दिए जाने पर भी आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। रविंद्र ढोल साहब, आपके पास आते हुए, ये हारे हुए सेनापति की भाषा है जो कि अशोक अरोड़ा आज बोल रखे हैं फरलो को लेकर। चौटाला आएंगे और जाकर के यहाँ पर समर्थन करेंगे अथवा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे,
ऐसे में फर्लो ग्रांट होने के बाद में एकदम से यकायक जो है एक दिन के बाद में उसमें कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं और उसके बाद में आज जो है जबरदस्ती करके उनकी फर्लो को, देखिए ऐसा कोई भी कानूनन कोई अधिकार नहीं है कि आपकी जो है आपका अधिकार है आपने अवेल कर लिया। जब ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आ सकते हैं, आकर के अपनी दो दो बार आ सकते हैं पैरोल पे फर्लो पे, तो किसी भी कन्विट के पास में वो अधिकार होता है, तो हमने अपना अधिकार एक्सरसाइज किया था। तो ऐसे में प्रशासन ने जिस प्रकार से उसको आज यकायक रिव्यू किया और जबरदस्ती उनको जो है हॉस्पिटल एलएनजेपी से ले जाकर के और तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया, ये ऐसी चीज तो है नहीं, लोगों से छुपी रहेगी। राजनीत चौटाला साहब कभी ना कभी तो जेल से भी बाहर आएंगे और जाकर के लोगों को भी बताने का काम करेंगे, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जो नहीं आएगी। ये साजिश कैसी है, कहाँ आई है, ये भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिन तक छिपा पाएंगे। ठीक है, अशोक अरोड़ा ने कहा कि सत्ता पाने के लिए इन लोगों ने अपने दादा को जेल भिजवा दिया, आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस आरोप से? जहां तक बात हारे, हालांकि आपकी पार्टी का अपना स्टैंड है, सत्ता पाने के लिए अपने दादा को जेल भिजवा दिया से 101% आज इनका कथित गठबंधन हुआ है, आज ही जिस प्रकार से हुआ है वो इंसिडेंट ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इन्हीं के द्वारा की गई है। अच्छा। हम इसके पुख्ता सबूत बहुत जल्द आपके बीच में लेकर के भी आएंगे, लेकिन एक बात हम आपको बताने आश्वस्त करते हैं, बड़ा स्पष्ट रूप से करते हैं कि हारे हुए सिपाही वो होते हैं जो किसी सिपाही को मैदान में आने से रोकते हैं। हम हारे हुए सिपाही नहीं है, ना ही हमने कभी कहा था कि वो मैदान में आ रहे हैं। चौटाला साहब यदि जींद में आकर के अपने लोगों से मिलना चाहते हैं और भी गैर राजनीतिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से, किसने रोका उन्हें? कोई नहीं रोक सकता। यदि पैरोल की वायलेशन की बात आती है तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पूरे 14 दिन तक यहाँ पर रहकर जींद में सभी उसके अंदर कांग्रेस को भी जोड़ेंगे, उससे पहले अजय गौतम जी, तो क्या वो वायलेशन नहीं था? आप इस बात पर रिएक्शन दीजिए क्योंकि अशोक अरोड़ा ने कहा, हालांकि दुष्यंत और दिग्विजय पर भी आरोप है लेकिन आपकी पार्टी पर आपकी सरकार पर आरोप है सर फर्लो को लेकर, बोलिए। देखिए फर्लो में हमारी पार्टी का कोई किसी तरह का रोल नहीं है, जो भी प्रशासनिक जो चीजें होती हैं वो ये फिलअप नहीं कर पाए उस चीज को। अब कोई इसका भी नियम कानून है कि ये नहीं कि आप तीसरे दिन ही बाहर आ जाओ। क्या इनके पास, मैं पूछना चाहता हूँ, इनेलो के पास ऐसा कोई नेता नहीं है कि उनकी चौटाला साहब की इनको जरूरत पड़ रही है? उनको ये क्यों बुलाना चाह रहे हैं? इनका इसका मतलब तो साफ है, ये ऑलरेडी हार चुके हैं। है फर्लो का वो तबीयत खराब होना, वो अपना अधिकार भी है। देखिए अगर अधिकार क्षेत्र में आता तो फर्लो जरूर मिलती, फर्लो क्यों नहीं मिली ये प्रशासनिक वो है, इसमें आम आदमी पार्टी का कोई किसी तरह का रोल नहीं। हम बुलाना चाहते हैं श्रीमान जी, आप पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए। सर फिर मैंने नई एप्लीकेशन लगाई थी चौटाला साहब की बाहर लाने के लिए, वो आप ही ने लगाई थी, आप ही की कैंसिल हुई है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे कैंसिल हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी का अधिकार है, आम आदमी पार्टी का किसी तरह का रोल नहीं है। चुनाव के अंदर बुलाना चाहते हैं? नहीं, टेक्निकल ग्राउंड पर आप ये बताइए कि कोई पार्टी के अधिकारी जो विज्ञप्ति हमारे किसी प्रवक्ता ने कहा हो, कौन सा टेक्निकल ग्राउंड आप बताने का काम करें? तो आप यही बात बता दीजिए कि इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल है? आप मिलने के बाद में इस वक्तव्य को क्लियर करिए ना सर, आप अपने वक्तव्य को क्लियर करिए कि आम आदमी पार्टी ने कहां अड़ंगा डाला था इसमें? आपके मंत्री ने जो आज शाम को, हमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सरकार किसकी है दिल्ली में, होम मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर कौन है? अरे सरकार बात कर रहे हैं, सरकार का मतलब ये थोड़े ना कि किसी को भी बाहर लिया और किसी को अंदर कर दो। मिलने के बाद में प्रशासन भी होता है, प्रशासन अपने हिसाब से चलता है। दिल्ली में प्रशासनिक टेक्निकल ग्राउंड पर आपकी बेल कैंसिल हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। आप धक्के से आम आदमी पार्टी के सिर पे मत डालिए। देखिए तो तकनीकी उस समय पर भी की थी डॉक्टर, जब देखिए नहीं, अगर हमारा ना डालते थे 15-20 दिन पहले क्यों आए थे वो? वकील नहीं उनके, उनको बठिंडा जाने से रोका था ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को। ठीक है, इस बात को आऊंगी शर्मा जी, आएंगे आपके पास भी। जुयाल साहब, कितनी मजबूती आपको लगता है कि दिग्विजय को मिल जाएगी और कितनी चुनौती आपके लिए हो सकती है जींद में आम आदमी पार्टी के साथ आने से दिग्विजय के? देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी का जहां तक अस्तित्व का सवाल है तो हरियाणा प्रदेश में अभी तक कहीं पर भी ऐसा दिखा नहीं है धरातल पर कि उनके साथ कोई जनमानस हो या उनका धरातल पर कोई आधार हो राजनीति। ये तो इस प्रकार से है कि जींद के चुनाव में जैसे मदारी डुगडुगी बजाता है तो कोई ना कोई चार लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं उस तमाशे को देखने के लिए। अच्छा। और किसी ने कह दिया चले हमारे मोहल्ले में भी चले, वहां पर भी जो डुगडुगी बजा दीजिए। तो दिग्विजय जी के साथ तो उनका इस प्रकार से लगना उनका खुद का राजनीतिक दिवालियापन है। अगर वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में राजनीति करें, हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए लड़ें,
और राजनीतिक चुनाव में लड़ना चाहिए, राजनीतिक दल और होते किस लिए, राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ करके जीत जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है तो प्रतिनिधित्व तो कीजिए। तो उनके पास ना तो कुछ इस प्रकार से कार्यकर्ता है, ना जनमानस है, ना नेता है, इसलिए वो चुनाव से भागे हुए हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं उनको अपने अस्तित्व को दिखाना है, इसलिए वो कहते हैं हम दिग्विजय जी के साथ हैं। इसका चुनाव पर कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ। आम आदमी पार्टी के कारण 150 लोग जो कार्यकर्ता के रूप में जींद में है, पूरे प्रदेश से इकट्ठे होकर के वो दिग्विजय सिंह जी के साथ चलेंगे और इससे कोई चुनाव पे परिणामों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा। दलबीर धनखड़ साहब, आपसे भी काउंटर लेंगे इस बात का, लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि आपको ध्यान होगा पिछली चर्चा में एक बार आपने कहा था कि मुकाबला जेजेपी और कांग्रेस में ही है, अगर ऐसा है आपके मुताबिक तो अब आम आदमी पार्टी भी साथ आ गई है, किसी तरह का कोई असर देखते हैं चुनाव पर? देखिए, पहले तो जो 10 मिनट की बहस हुई ना, मैं सुन रहा था, मुझे मौका भी नहीं मिला। वैसे तो सबसे पहले मौका मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। नहीं सर, नहीं, आप बता दिए ना, कोई मेरे को बोलने दो, फिर आपकी बात सुनूंगा मैं। दूसरा, ये 10 मिनट से हम इसी पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जेल में आगे, जेल से पार्टी बची कहां भी है, जेल में चले गए, जेल से आगे, तो ये सजा याफ्ता कैदी हैं, तो इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो आए ना आए पैरोल पर चले जाए। जींद के जो मुद्दा है आज है जंगे जींद की, जो आपने एक डिबेट रखी है। हाँ। कि जींद के विकास पर केंद्रित किसका ध्यान है, जींद का विकास किया किसने है और जींद में आगे विकास करेगा कौन। अच्छा। जो हमारे साथी धनखड़ साहब हंस रहे हैं, प्रजातंत्र में तो जनता मालिक है, भगवान है। आप 15 साल से बाहर हो हरियाणा से और हमने 10 साल शासन किया है, ये तो एक विपरीत ध्रुवीकरण तो दिखाई दे रहा है ना। हमने तो 10 साल शासन किया लगातार, आप 15 साल से बाहर हो, तो बात ये विषय ये था कि जींद का विकास किसने तो किया और कौन आगे कर सकता है, कौन करेगा, और जो ये दल है, अब मैं आप पे आता हूं। विषय ये भी था कि फर्लो रद्द हुई है, उसको लेकर अगर अशोक अरोड़ा आरोप लगाते हैं दुष्यंत चौटाला पर या फिर आम आदमी पार्टी पर, उसको इग्नोर करके हम जींद की चर्चा कर ही नहीं सकते। डिबेट रख लेते, इन दोनों को बुला लेते, हमारी जरूरत ही नहीं थी। आपसे सवाल पूछा गया, मेरे सवाल का जवाब हम देंगे ना। मैं जवाब देने के लिए आया हूँ कि आप इस सवाल पूछोगे उसका ही मैं जवाब दूंगा, अकेला वो नहीं हो सकता ना। मैं सारी बात सवाल कैसे उठा सकते हैं, चर्चा पे नहीं मैं उठा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। कहा गया कि जींद के विकास को लेकर ही आपने सवाल उठा रहे हैं। हाँ, आपने लिखा जंगे जींद पर, जींद पर ज्यादा विषय होना चाहिए ना जी, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता के, आपको इस बात की जानकारी है कि फर्लो को लेकर अगर कहा गया उसकी अपनी इंपोर्टेंस है सर, अगर कहा जाए कि साजिश ने ऐसा किया गया उसकी अपनी इंपोर्टेंस है, आप बताइए आपको समय दिया गया। ये तो विषय ऐसा हो गया ना, ये विषय ऐसा हो गया ना, ये दोनों ही पार्टियां इस पर पार्टिसिपेट करती रहेंगी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो इससे बाहर ही होगी। डिबेट कमाल करते हैं, ये डिबेट से हम तो बाहर ही होगी ना, मैं ये कह रहा हूँ। समय दिया गया, उस पर 1-2 मिनट का समय दे सकते थे आप इनको, लेकिन एक बहस ही उस पर चल पड़ी। मेरे से जो आपने सवाल किया है, मैं उस दिन भी कहा था और मैं आज भी इस बात पे मतलब अपनी बात रखता हूँ, लेकिन जो एक ये नई बात आप लेके आगे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कोई और भी शब्द हो वो मैं प्रयोग करता हूँ। कल तो ये कह रहे हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे, जींद में खुद उन्होंने कहा है कि भाई नोटा का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ नोटा का, जहाँ हमारा कैंडिडेट होगा नोटा के लिए प्रार्थना करेंगे। आज इन्होंने वो जैसे, चलो मेरे को भी उस पर आना ही पड़ेगा क्योंकि इसका विषय ले लिया आपने, कि वो उधर तो वो कह रहे हमारी कैंसिल करा दी, इधर कह रहे हमारे समर्थन करेंगे, हम रैली में भी आएंगे। देखिए, जेजेपी का अपना जनाधार है, कार्यकर्ता है, मैं इस बात से सहमत हूँ बिल्कुल। जींद में लोग उनके कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं, इसके एवज में इंडियन नेशनल लोकदल आज बिल्कुल धरातल से गायब होगी, वो 2-3 हजार वोटों की वोट कटुआ पार्टी रहेगी, इसमें भी कोई दोरा नहीं। अच्छा। क्योंकि हम अगर पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, सत्यता पर आधारित बात करते हैं और कुछ उन्होंने कैंडिडेट अपना जिस तरीके की इनकी बात चल रही है वो तो ये जाने, इंडियन नेशनल लोकदल वहां धरातल पे नहीं है। अच्छा। जेजेपी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई मायने नहीं, कोई वजूद नहीं आज, बल्कि उल्टा जेजेपी को नुकसान होगा। लोग वहीं पूछेंगे केजरीवाल अगर जींद में आ गया कि भाई पानी आप पंजाब का, पंजाब को दे रहे थे आप, पंजाब के मुद्दे सुरजेवाला, आप पहले इसकी बात करो ना, आप ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो रस्ते में चलते हुए 3 बयान होते हैं, पंजाब में कुछ बयान है, हरियाणा में करनाल रुक के कुछ बयान है, दिल्ली में जाके कुछ बयान है, तो आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं, हरियाणा में कोई बात ही नहीं उसकी, वो तो एक चीज ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता ने बताई, इनके तो लेके दे के 2 शब्द है, ये लोग जो है ना राजनीतिक दल के उस मर्यादा को भी पालन नहीं करते, इनके शब्दों का सुबह कुछ है शाम को कुछ है, और है जे हमारा मुकाबला जेजेपी से। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के साथ आने से कोई असर आप देखते हैं? हालांकि पैनल पर जेजेपी के प्रवक्ता को छोड़कर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को छोड़कर किसी को लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी वर्चस्व है हरियाणा में या फिर जींद में? देखिए, आम आदमी का पार्टी का वर्चस्व है या नहीं है, अगर ये राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि जब आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जयसिंह ठेकेदार लोकसभा चुनाव में उतरा था तो जींद कॉन्स्टिट्यूंसी से ही उसको 8600 वोट मिले थे जी।
अगर आधार नहीं है तो 8600 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई उम्मीदवार नहीं ले पाएगा। तो ये बात कहना तो गलत है, किसी पार्टी का आधार नहीं है या जन बिल्कुल आधार विहीन है। ऐसा है कि आधार थोड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो आधार ना होने जैसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी का अपना थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा आधार है और उसी के आधार पर आगे एक पार्टी दूसरी पार्टी को समर्थन देती है। तो कितनी पार्टियां किसको क्या अपने वोट समर्थकों के वोट ट्रांसफर करवा पाती हैं या नहीं करवा पाती हैं यह अलग चीज है। तो यहाँ ये कहना कि आधार ही नहीं है ये गलत है। आधार है और इससे जेजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। अगर फायदा ना होने की उम्मीद हो तो क्यों एक दूसरे से समर्थन ले रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी भी अपने रूठे हुए साथियों को मनाने की कोशिश कर रही है? क्यों कांग्रेस भी अपने एक उम्मीदवार का पर्चा उठवा करके और समर्थन ले रही है? तो इस तरह की चुनाव के दौरान इस तरह की प्रक्रिया चलती है कि विभिन्न जो समूह हैं उनके नेताओं का एक दूसरे को समर्थन देने का सिलसिला चलता रहता है और ये सिलसिला लगातार जारी है, पूरे चुनाव के दौरान जारी रहेगा और इस तरह के समर्थन लिए जाते हैं। अब एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे रही है, इनेलो और बसपा का गठबंधन है वो भी एक तरह से समर्थन ही है क्योंकि बसपा तो उसमें उतरी नहीं है। तो यहाँ जो है ना इस तरह की चीजें हैं वो गठबंधन के रूप में उतरे हैं, यहाँ ये समर्थन दे रहे हैं। ठीक है दलवीर धनखड़ जी, अभी आपने सुना बालमुकुंद शर्मा जी को कि पहले नोटा की बात कर रहे थे, अब आप लोगों के साथ आ गए, इससे कोई बहुत खास किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है? जुयाल साहब ने भी कहा कि 100 से 150 इनके कार्यकर्ता होंगे, उससे वोट बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ज्योति जी, धर्मपाल धनखड़ जी ने जो बात रखी है मैं उससे सहमत हूं जी। हर तरह का चाहे गठबंधन है या कोई किसी को सपोर्ट करता है उसका महत्व है, ठीक, और महत्व उन्होंने बता दिया। धर्मपाल धनखड़ जी ने 8600 वोट उन्होंने लोकसभा में पाया था जींद कौन सी चौंसी से, चलो एक अलग मैटर है। जहां तक कांग्रेस के मेरे मित्र बार बार कह रहे थे, मैं इनसे बात करना चाहूंगा इस बारे में, SYL की पानी की बात की। देखिए अरविंद केजरीवाल जी से हमारा गठबंधन नहीं हुआ, अभी वो क्या बात रखते हैं SYL पर वो बात करेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पंजाब में अलग भाषा बोलती हैं, हरियाणा में अलग भाषा बोलती हैं, और रणदीप सुरजेवाला ने तो कमाल कर दिया, जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का पंजाब के अंदर, अमरिंदर सिंह के साथ खड़े होकर कही पंजाब का पानी पंजाब का, ये बिल्कुल क्लियर कहा था। तो SYL पर अगर मुद्दा चलेगा तो इसमें सबसे ज्यादा परेशान रणदीप सुरजेवाला सबसे पहले, फिर भारतीय जनता पार्टी होगी जो पंजाब में अलग भाषा बोलते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हरियाणा में अलग भाषा बोलते हैं। प्लीज आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, जल्दी बोले। दूसरी बात इन्होंने कही कांग्रेस को पहले समय देना चाहिए था, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। मेरे मित्र को मैं बताना चाहूंगा, इस देश में सबसे ज्यादा राज और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा राज करने वाली और दिल्ली में सबसे ज्यादा राज करने वाली, देश में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था मुख्य विपक्षी दल का दर्जा इनको नहीं मिला, और दिल्ली में 15 साल राज करने के बाद भी इनको 0 सीट मिली थी, एक इतिहास है, और हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा इनको नहीं मिला। तो राष्ट्रीय पार्टी की तो कांग्रेस की हालत हो चुकी है। और जहां तक कैंडिडेट की बात है, मैं बार बार एक बात पूछता हूं मेरे मित्र से, मेरे दोस्त है ये, मेरे मित्र हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूं, जवाब आज दे के जाइए। रणदीप सुरजेवाला विधायक होते हुए दूसरा चुनाव विधायक का लड़ रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो 8 महीने की विधानसभा बची है उसमें वो विधायक कहां के रहना चाहेंगे? नंबर एक, नंबर दो, जब वो विधायक क्या कर के उन्होंने कितनी हाजिरी हाल लगाई 10% हाजिरी हाल लगी, क्या आप लोगों के पास कोई और उम्मीदवार नहीं था? ये उस दिन से सवाल पूछा जा रहा है जिस दिन से आपने घोषणा की थी रणदीप सुरजेवाला के नाम के। देखिए मेरे मित्र धनवीर धनखड़ जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं और इनको सभी बातों का पता है, बात को घुमाने के लिए एक नई बात लेके ये रोज आ जाते हैं। पानी का जहां तक मुद्दा है मैं इनको क्लियर कर दूं ताकि आगे इनके काम आएगा। अच्छा। पंजाब में जो 5 नदियां बहती हैं, रावी है, ब्यास है, जो जितनी भी नदियां हैं उनका पानी बह रहा है पाकिस्तान के अंदर,
उस पानी को लेकर के सबसे बड़ा विषय आगे पंजाब का पानी, वो पाकिस्तान गया हुआ है राष्ट्रीय सदर पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि वो पंजाब का पानी है, पाकिस्तान में जाएगा, उस पे हम डैम बना रहे हैं, उस डैम पे काम भी शुरू हुआ जो पहले कांग्रेस ने शुरू किया था। तो पंजाब का पानी पंजाब के पाकिस्तान में पानी जा रहा है, आप अपने दिमाग को बड़ा विस्तृत रूप से सोचिएगा। दूसरा मैं एक काउंटर, ठीक है सर, ये बात कहा गया कि अतिरिक्त पानी नहीं पंजाब के पास थे, तो वो पंजाब का पानी पाकिस्तान गया हुआ है, पानी नहीं देगा और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट को समझाना। ये घोषणा पत्र में लिखा गया था, पहला वादा था पंजाब का पानी पंजाब से, नदियों का बाकी जो पानी है जो हमारा समझौता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते उसकी प्रति भी थी। चलिए छोड़िए एसवाईएल पर, फिर भी नहीं जाइए, आप इस बात का जवाब दीजिए कि वर्तमान विधायक हैं, उसके बाद की चुनावी मैदान में वकील हैं। देखिए दो बातें हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बड़े कद के नेता है, ये कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार है हमारा सोचने का। अब हम सवाल ये करें कि भाई दिग्विजय सिंह को आप यहाँ क्यों ले आए, आपको जींद में कोई आदमी नहीं मिला, ये बीजेपी वाले ने उधार के लिया है, क्या इनको अपना कैंडिडेट नहीं मिला? हमने तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारा वरिष्ठ नेता थे, और एक चीज मैं धनखड़ जी को क्लियर करना चाहता हूं, हालांकि वो परिचित है सारी चीजों से, कांग्रेस पार्टी के पास 10 कैंडिडेट थे, वहां मैं खुद वहां टिकट का चाहवान था, प्रमोद सहवाग जी थे, रघुवीर भारद्वाज जी थे, सुधीर गौतम जी थे, सुरेश गोयल जी थे, सत्तू डांडा जी थे, बलजीत सिंह रेड्डू थे, अनिल जागलान थे, मतलब 10 आदमी हमारे पास, ये जो अंशुल सिंगला जी थे 10 हमारे पास कैंडिडेट थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला वरिष्ठ था, मैं उनसे ऊपर था, बाकी पार्टियां भले ही राजनीतिक विरासत के नाते फिर राजनीतिक कद के नाते वोट मांगे, लेकिन आप लोग सरकार में हैं सर, विकास के बूते आप लोगों को वोट मांगना होगा कि 4.25 से 4.5 साल के दौरान आप लोगों ने क्या किया जिंद के लिए। जी ज्योति जी, बहुत मैं चाहता था कि इसी प्रकार का प्रश्न होता कि हरियाणा प्रदेश की जनता को हम कह सकें कि 4.25 साल के इस शासन काल में भारतीय जनता पार्टी ने जींद के लिए क्या किया। पहले तो यह बताना चाहूंगा कि 5-5 बार इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के विधायक जींद में रह चुके हैं, और आज तक अगर विकास कार्य ये कहते हैं कि नहीं है जींद में, तो सबसे पहले दोषी तो ये लोग बनते हैं कि उन्होंने विकास कार्य क्यों नहीं करवाया। मतलब उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे, आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना सर। आपको किसने कहा बीच में बोलने के लिए? आप दूसरे पे डाल रहे, आपने क्या किया ये बताइए ना। आपको किसने अधिकार दिया बीच में टोकने का? अधिकार तो मेरे को बीजेपी ने दिया, आप ये बताइए कि आपने 4.5 साल में क्या किया जींद? यू आर नॉट टू आस्क मी अ क्वेश्चन सर जी, आप ये बताइए 4.5 साल में जमीनों के अलावा आपने क्या किया है? मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जुयाल साहब ने सबके जवाब सुने, बिल्कुल आप गलत मत बोलिए। अब मैं बताना चाहूंगा, जींद में इन 4.25 साल में जो काम किया है, थोड़ा सा समय में बताना चाहूंगा, 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड का अस्पताल बढ़ाने का काम जींद में भारतीय जनता पार्टी ने किया। जींद में बाईपास लगभग पूर्ण होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। जींद में रोहतक रोड पर जाने का अंडरपास का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 सालों में कराया। 1500 किसानों को 4.25 करोड़ रुपया फसल मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कबड्डी की नर्सरी लड़कियों के लिए, एथलेटिक की नर्सरी, कुश्ती की नर्सरी जींद में चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और 4150 किसानों के 7100 हेक्टेयर भूमि को बीमाकृत करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 66 किलोमीटर बिजली की नई लाइनें बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 65 ट्रांसफार्मर जींद विधानसभा में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पीडब्ल्यूडी बीआरडी द्वारा नई सड़कों में अंदर हम चढ़ के आए तक नहीं बना पाए, एक बाईपास को पूरा नहीं करवा पाई आपकी सरकार। बाईपास पूरा 4.25 साल में, अगर सुनिए प्लीज, हमें अगर आप पैनल पर बैठकर कहते हैं कि लगभग पूरा हो चुका है सर, क्या ये तरीका होता है विकास करवाने का? जिस समय केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी कांग्रेस शासन के बाद, हजारों किलोमीटर सड़क को जो काम टूटे पड़े थे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे उनको पहले पूरा निकालने का काम किया। आप समझिए, अमृतसर से लेकर के दिल्ली का जो ये नेशनल हाईवे है, ये जो जीटी रोड था कि बिल्कुल बाधित था, ठेकेदार टेंडर छोड़ करके भाग गए भारतीय। तो जींद उपचुनाव को सभी पार्टियों ने नाक की लड़ाई के तौर पर इसे पेश किया है, सभी जीतने की जुगत में लगी हैं, लेकिन जींद की जनता को क्या मिला है वो सवाल तो है कि जिसका हम बार बार जवाब लेते हैं उन जिम्मेदार लोगों से, जो कि विधायक रखे, कभी सरकार में रखे, कोई यहां से मंत्री रहा, उनसे भी हम जवाब लेते हैं, लेकिन फिलहाल जींद की जनता को क्या मिलेगा इन 7 से 8 महीनों के भीतर, जिस परीक्षा को लेकर सभी धुरंधर मैदान में है, उससे जींद को क्या मिलने वाला है? क्योंकि चुनाव करीब है, उस दौरान कोई विधायक क्या कुछ कर पाएगा जींद के लिए? जितने बड़े वादे किए जा रहे हैं, क्या वाकई उनको पूरा किया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक खास पैनल मेरे साथ है, रविंद्र ढोल साहब, सर आपसे सवाल ये बनता है कि अगर जींद का विकास नहीं हो पाया तो क्या इनेलो की बड़ी भूमिका इसमें नहीं है? आप लोगों का गढ़ माना जाता है जींद को, उसके बावजूद भी अगर जींद पिछड़ा है तो इन 7 से 8 महीनों में आप लोग क्या कर लेंगे? दूसरा आपसे ही सवाल कि अब याद क्यों आया कि राजधानी बनाया जाएगा जींद को?
देखिए, मैं एक बड़ी स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि चार बार जो है, दो बार इंडियन नेशनल लोकदल जब से ये पार्टी बनी है केवल दो बार हमारे विधायक रहे, दोनों बार विधायक जब रहे उस समय पर एक बार कांग्रेस की सरकार थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2005 से 9 के बीच में जींद के अंदर कांग्रेस के एक नहीं तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे और पांचों सीटें कांग्रेस के पास थी। तो जो गढ़ बनाया है वो हमने अपनी मेहनत से पिछले 10 साल के अंदर इसको डेवलप करने का काम किया है। तो ये नहीं कहिए कि किसी प्रकार का कोई ट्रेडिशनल गढ़ जैसी कोई चीज है। इंडियन नेशनल लोकदल की जब फॉर्मेशन हुई है उसके बाद दो बार हमारे विधायक बने हैं, दोनों बार विपक्ष के अंदर बने हैं। उसके बाद में यदि विपक्ष के विधायक के रूप में यदि हमने किसी प्रकार से कोई कमी छोड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी खुद बता देगी ये, तो क्योंकि हमारे विधायक के पुत्र जो है इनके प्रत्याशी, वो बता देंगे क्या उन्होंने कोई कमी छोड़ी थी किसी मुद्दे को उठाने में या विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने में या किसी भी प्रकार के प्रश्न उठाने में। तो एक विपक्ष के विधायक के रूप में जो भी उनके पास में था उन्होंने हर एक वो चीज की है और लोकतांत्रिक तरीके से विधायक की पूरी ड्यूटी निभाई है। अब फिर भी यदि सरकार उसके अंदर कोई काम ना करे तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था, श्वेत पत्र इन्होंने जारी किया था 2014 के अंदर। सर देखिए, पहली बात तो ये सिर्फ इतना नहीं कहा जाता कि हम आप लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, विकास करवाने की बातें होती है, सुनिए, लेकिन इन 7 से 8 महीनों में कैसे आप लोग काम कर लेंगे? अभी तो विपक्ष में हैं आप। देखिए, विकास करवाने की बात, यदि या तो सरकार हमको ग्रांट देती हो, जो इस बात को समझिए, या तो सरकार विधायकों को ग्रांट देती हो, आप ये बताइए कि या तो सरकार विधायकों को ग्रांट देती है कि एमपी की तरह, तो है नहीं, एमपी लेड फंड है हमारे पास में। आपके पास में दो ही तरीके रहते हैं विकास कराने की, पहली बात विधानसभा सत्र के अंदर प्रश्न उठाइए और दूसरी बात जो है डी प्लान या किसी प्लान के तहत जो डीसी के साथ में बात करके अपनी कमेटी के अंदर वहां जाकर के अपनी बातें रखिए। दोनों चीजों में सरकार के पास में डिस्क्रिप्शन होती है उस डिमांड को माने या ना माने। यदि सरकार दुर्भावना से उन बातों को ना मानने का काम करे और हमारे विधायक की मृत्यु के बाद में एकदम से सभी मांगों को मानने का काम करे, उसी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विकास को रोकने का काम सरकार करती है या विपक्ष की पार्टी करती है। ये दुर्भावना वाली हमारी ये मांग इसका मतलब कांग्रेस सरकार ने उनके कामों को तवज्जो नहीं दी और काम, लेकिन हमारी सरकार के दौरान मिड्डा जी की कौन सी बात ऐसी है जो आप बताएं कि हमने नहीं मानी और काम करने के रोक दिया? उनके निधन के बाद भी, क्योंकि एक समर्पण की भावना थी और उनके कामों को जो है श्रद्धांजलि के रूप में ये किया गया उनको, जितने उनको, देखिए एक रविंद्र जी रुकिए, मैं आपको अवसर मिलेगा, तो हमने उन कामों को पूरा करने के लिए जींद को एक अवसर दिया है कि हम ये पूरा करेंगे और आगे भी हमारे पास सरकार में है, अभी जितना भी समय है जींद के लिए विकास का काम करेंगे। उदाहरण पे छोटा सा कहना चाहूंगा, अगर कल ही 18,000 नौकरियों की घोषणा हुई है तो 1660 नौकरियां जींद के हिस्से में स्वतः चली गई हैं, गरीब के घर में, मजबूर के घर में, दलित के घर में, सभी जाति बिरादरियों के घर में, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी सिफारिश के नौकरी, तो हरियाणा प्रदेश में बिना पारदर्शिता से ये काम हो रहा है। इसको जींद के लोग देखने वाले हैं। क्या किया गया, क्या किया गया जींद के लिए, इसके अलावा अब क्या कर लेंगे सर जींद के लिए? जी, ये बहुत अच्छा कि आपने, मेरे मन में यही था बात कि मैं इस तरीके की बात रखूँ, आपने खुद ही पूछ लिया। देखिए, हमारा जो विजन है लंबा था, उसमें कुछ काम हमने ऐसे किए, मैं आपको गिनाऊंगा, आपको लगेगा भाई हाँ ये काम किया। जींद में हमने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की जींद में, जो आज फल फूल रही है, बहुत बड़ा पौधा पेड़ों के रूप में विकसित हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय, महिलाओं के लिए जींद में अलग से कॉलेज की हमने स्थापना की है। जींद से दिल्ली से बठिंडा रेलवे लाइन थी, पहले वो विद्युतीकरण उसका पूरा किया गया, पहले वो डीजल इंजन चलते थे, अब उसका पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया। उसका फायदा यह कि 4 घंटे में जींद से लोग दिल्ली पहुंचते हैं, अब 2 घंटे में पहुंचेंगे। जींद से दिल्ली नई रेलवे लाइन वाया सोनीपत और गुवाहाटी, ये मैं इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूं जिसके करोड़ों के बजट हैं, अरबों के बजट में हमने जैसे काम किया। जींद के शहर से बीच में एक रजवाया जाता था पानी का, वो प्रातः प्रातः आगे, एक मिनट सर, दो मिनट में देखिए, दो मिनट में मैं बताऊंगा, दो मिनट में मेरे काम, दो काम हो रहा है कि जो बिल्कुल आपको जींद में हमने मिनी बाई पास बनाया।
दिल्ली से लेकर के पंजाब बॉर्डर तक 4 लेन रोड पूरा हमने करवा दिया था। कुछ किसानों के कोई कोर्ट में केसेज थे, रोहतक तक पहले कंप्लीट हो गया था और आगे बीच में कुछ केसेज में रह गए, जैसे करें अभी तक पूर्ण नहीं करा, वो कुछ उस समय कोर्ट केसेज थे और इनके टाइम में कोर्ट केसेज कंप्लीट हो चुके थे, पूरे भी होते, उसके बाद इन्होंने उस पर कोई काम नहीं करवाया। इस तरीके से हमने जो है इतने काम करवाए जींद में, नए स्टेडियम का निर्माण, शहर के अंदर स्टेडियम था उसको बाहर लेकर आगे पूरा पूर्ण रूप से उसको कांग्रेस के टाइम में कर दिया था। जींद बस स्टैंड अंदर से ले जाकर के हमने बाहर लेके चले गए थे, जमीन इक्वायर सारा काम हमारे टाइम में हुआ। ये राजनीतिक वो है, आरजीत लगे रहता है, विषय है लोगों की सेवा करना, समाज के आखिरी आदमी तक सुविधा पहुंचाना, वो कांग्रेस ने हमेशा किया। आप लोगों को मिले थे तो ये इतने बड़े बड़े काम, सारी सीटें आप लोगों को मिली थी, कहां बड़े काम किए गए सर? आप जाकर आए हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, बताइए, जनता भगवान का स्वरूप, काफी ही विकास कार्य सर, नहीं देखिए विकास कार्य, विकास विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो पिछले काम ये नहीं है कि खत्म कर दिए गए हो, तो ये काम पूरे खत्म कर दिए ना, यूनिवर्सिटी वहाँ हजारों एडमिशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमने विकास किया था तो वाकई हैरान होने वाली, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आपने यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी तो वो चलेगी, उसमें हम वो आएंगे, दूसरे कैंडिडेट में आपको एक भी सीट नहीं मिलती है, ये क्यों हुआ? ये उसके बाद पिछली बार हम वोट के लिए काम नहीं करते, कांग्रेस कभी वोट के लिए काम नहीं करती, कांग्रेस कभी वोट के लिए काम नहीं करती, वोट के लिए काम नहीं करती, मंदिर मस्जिद गाय गीता, वोट को भावनात्मक तरीके से भड़काना, भाई को भाई से लड़वाना, हम वो काम नहीं करते, हमने काम करना है आखिरी तक। पहली नजर में ये लगता है कि आप लोगों ने भी पूरी तरह से नाक की लड़ाई मान लिया के इस चुनाव को, क्योंकि जनता के लिए कोई काम बहुत ज्यादा होना नहीं है चुनाव से पहले। किससे? ज्योति जी, नाक की नहीं, हमारी अभी नई पार्टी बनी है बिल्कुल, हम अगर आप जींद के धरातल पे कोई है तो आप देखिएगा, अगर संगठन के तौर पे कोई काम कर रहा है तो जन नायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जन नायक जनता पार्टी का परिवार काम कर रहा है, ये आप शब्द जानोगे इस बात को। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से मैं 2-4 सवाल उनके जवाब देना चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने एक बात अच्छी की, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने, उन्होंने एक बात अच्छी कही, लगभग तैयार हो चुका, वो लगभग तैयार नहीं होया, उन्होंने कुछ बातें मानी है, उन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल कर दिया, हॉस्पिटल में एक ईंट नहीं लगाई, 200 बेड का कर दिया, कॉलेज महिला कॉलेज बना दिया, एक कॉलेज के 2 भाग कर दिए, महिला कॉलेज बना दिया, और पिछले 10 दिन में मानिए रोड पे काम चला है, मिट्टी पे काम रोड बन रहा है, 10 दिन में विकास हुआ है। मान प्लीज आप सुनिए, आप पेशेंस रखिए, माननीय हरिचंद बिड्डा जी की बात करें, स्वर्गीय हरिचंद बिड्डा जी की, वो विधानसभा में आखिरी सत्र में एक तरह से रोक कह रहे थे, खट्टर साहब आपको मैं विधानसभा में रो रहा हूं, मेरे को जनता जींद की शहर में जाकर रो रही है, रोती है जब मैं वहां पहुंचता हूं। अच्छा। कृपया करके मेरे जो ये काम है, मैं बता रहा हूं, ये करवाने का काम कीजिए, भले मैं विपक्ष का नेता हूं, विधायक हूं, परंतु जनता तो हरियाणा की है, ये उनके आखिरी बयान थे, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके डेथ के बाद हम उनको श्रद्धांजलि रूप उनके कार्य कर रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जो रोहतक से जींद का 4 लेन वन वे रोड है, उस पर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में मिट्टी डल गई थी, उस पर आज पेड़ खड़े हुए बहुत बड़े बड़े, अगर चाहो तो बड़े पेड़ कर सकते हो, ये हालत है, 4.25 साल में कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, बाईपास की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, अब ये नौकरियों की बात कर रहे हैं, आपको बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर मैदान में है, गली मोहल्ले कखी की बात कर लीजिए, आप भीड़ लगी है, लेकिन जींद की जो जनता है उसको इस बाई इलेक्शन से क्या मिलेगा? देखिए ज्योति, इस जींद की इस जनता को बाई इलेक्शन से कुछ मिलने वाला नहीं है, साफ बात है, सारी पार्टियां अपने अपने आश्वासन दे रही हैं, बड़े बड़े वादे कर रही हैं, केवल इस इलेक्शन को बड़े नेताओं को मैदान में ला करके एक प्रेस्टीज इशू बना है, लेकिन प्रेस्टीज इशू जनता का नहीं है, जनता के लिए नहीं है, ये केवल पार्टियों के लिए है, और पार्टियां केवल ये इलेक्शन इसलिए लड़ रही हैं ताकि जीतना चाहती हैं, ताकि वो अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सके, अपनी हवा भाप सके और अपनी प्रेस्टीज बना सके, ये उनकी प्रेस्टीज है, जनता की प्रेस्टीज से इनको कोई मतलब नहीं है, बहुत सीधी बात है, जनता की प्रेस्टीज से मतलब होता तो जनता के वादे होते, सरकारें काम करती, जनता से जो किए गए थे वादे वो पूरे होते, लेकिन हर सरकार में ये देखने में आया है कि जींद काफी हद तक उपेक्षित रहा है, और जींद में आज पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, एजुकेशन की भी रुकिए आप, अभी एजुकेशन की भी जो बेसिक बात है उस पे आइए, एजुकेशन की भी कोई बहुत बढ़िया सुविधा
नहीं दी गई है, एक विश्वविद्यालय और एक कॉलेज बना दिया गया बताया अब तक। तो ये चीजें जो हैं, जहां जरूरत है बेसिक एनिमिनिटीज की, बेसिक सुविधाएं देने की, उसकी तरफ जो है ध्यान सरकारों का कम रहा है। आज जींद में हर रोड पर उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। आज आप जींद से पार एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना चाहे तो आराम से जा नहीं सकते, और वहां जो विकास हो रहा है उसकी भी एक तस्वीर जो है कुछ दिन पहले हमने दिखाई थी कि किस तरह से स्टेट हाईवे पर टाइल्स का रोड बना जा रहा है, इंटरलॉक सीसी टाइल्स जो इंटरलॉकिंग है, आज तक हमने हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं देखा इस तरह का रोड। अजय गौतम जी आप बताइए सर, ये है इतना बड़ा विकास? देखिए मैं शुरुआत में आप लोग कहते हैं कि नोटा को समर्थन देंगे, उसके बाद आप कहते हैं कि जेजेपी के आप साथ हैं, आप लोग भी किसी तरह की उलझन में हैं, और दूसरा अगर आप लोगों को लगता था कि हमारा कुछ वर्चस्व है तो अपने बूते चुनाव क्यों नहीं लड़ लिया? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आपको भी पता ही है, हमने नोटा का समर्थन किया इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे से समर्थन मांगा जेजेपी ने कि आप हमारा समर्थन करिए, आपसे छुपा नहीं है, आप सबको पता है, उनको भी पता है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो दूसरी पार्टियां हमारी एनएलओ और जितने भाजपा और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना वहाँ नहीं है, दिग्विजय सिंह जी 2/3 मतों से जीतेंगे वहां से, और इनको दिखाएंगे 1 तारीख को ये डिबेट पे आए जो कह रहे हैं आज आम आदमी पार्टी का वहां कुछ नहीं है, 35,000 वोट से ज्यादा हमारा वहां पर वर्चस्व है, लेकिन हमने वहां इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि हम स्टार्ट ही तब से करना चाहते हैं एमपी इलेक्शन से, ठीक है। इनको हर बात हमारी मजाक लगती है, दिल्ली में कहते हैं 3 वोटें नहीं आएंगी, इनकी 0 पे आउट है, 1-3 स्कूटर पे आ जाएंगे, इतनी इनको मिली है, इनको इतना नहीं आता कि यार किस किस मुंह से बात करते हैं हम लोग। दूसरी बात, एक सेकंड और लूंगा ज्योति जी, एक सेकंड, आप कहते हैं स्कूल और हॉस्पिटल की इतनी हालत खराब है वहां, जाम की, फाटक की इतनी समस्या है, अगर उससे कोई भी काम नहीं, 8600 वोट, अगर आपको 8600 वोट जींद से मिले थे और 35,000 का दावा करते हैं, तो राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ने के लिए होते हैं, आप सीधा मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं कि कोई विधायक भी चाहिए आपको? आपने उपस्थिति दर्ज करवानी थी जेजेपी, और आप अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं कहीं जींद के धरातल से, अच्छा प्रयास है, करिए, आपके शुभकामनाएं भी आपको देते हैं। रह गई अभी जैसे विकास कार्यों की बात हो रही थी, पिछले 50 सालों के कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी के 4.25 साल के कामों को अगर देखें तो निश्चित रूप से भारी पड़ते हैं, इसी विकास के काम को लेकर, पारदर्शी सरकार को लेकर के, इन कामों को लेकर के हम जाने वाले नगर निगम के चुनाव ने हमें तो संतुष्ट करके भेजा ही है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आने वाली है। चले ठीक है, एक आकस्मिक चुनाव आया है, उसमें निश्चित रूप से विजयी होंगे। चर्चा को खत्म करते हैं, जिस तरह की राजनीतिक समीकरण बदल रखे हैं उनका वोटिंग डे पर कितना असर पड़ेगा, वोट जो किया जा रहा है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा, उसको लेकर चर्चा के